हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद्वेंटी 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ आईएएस व्हिच हैज़ गिवन मोर देन 2200 टू सिंस 1999। दिस इज अवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी बच्चे आपने न्यूज में देख ही लिया हुआ कि रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक सिंगल प्लेस वर्क स्पेस को जो है इनग्रेट किया है पिछले 80 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है इससे पहले जो जो लार्जेस्ट थी दैट वाज यूएस के अंदर जो पेंटागन है द पेंटागन राइट तो उसके बाद को सक्सीड करके अब इंडिया के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल वर्क स्पेस आ गई है जिसका नाम है एस सूरत डायमंड बोर्स ये बोर्ड का कुछ खास ज्यादा मतलब नहीं है नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो नेशंस होते हैं वहां पे

चीज तो नहीं है ये हाउएवर जो अगर आपके स्टेट वाले एग्जाम आते हैं उसके अंदर वो इस टाइप के सवाल भी पूछ लेते हैं खासकर अगर आप हिमाचल का पेपर अगर ट्राई कर रहे हैं तो हिमाचल वाले थोड़ी सी टेंडेंसी है कि वो इस टाइप के सवाल वहां पे पूछ लेते हैं इससे पहले फॉर एटी इयर्स जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो हेडक्वार्टर्स था पेंटागन यूएस का वो इससे बड़ी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग का टाइटल उसके पास में था अब इसके पास में दिस इज पिक्चर इफ यू कैन सी सो दिस इज दैट पर्टिकुलर वर्क स्पेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बच्चे साथ साथ में हम एंड एंड में जाते जाते हैं इसके अंदर हम वो भी पढ़ेंगे कि डायमंड इंडस्ट्री इंडिया में कैसी चल रही है प्लस आपको ये अब लॉन्च होने का ना एक कॉन्टेक्स्ट भी दिखाई देगा कि क्यों इंडिया जो है वो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर ऊपर आ रहा है राइट अभी मतलब कुछ बढ़िया चीज मिलने वाली है आइए बच्चे इट इज़ अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सूरत गुजरात अब वो सूरत नाम में ही सूरत है तो वो तो खैर आप नहीं मिस करोगे ठीक है बच्चे आइए आगे देखते हैं तो सूरत इज ऑलरेडी रिनाउंड सुरत और डायमंड का आपस में पहले से बहुत रिलेशन है तो अभी ये जो एम करना चाह रहे हैं वो यह है कि ये मुंबई इट इज बिल्ड टू एक्सपैंड एंड कंसोलिटेट द डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम मुंबई टू सूरत बिजनेस को कंसोलेट करना चाह रहे हैं अभी क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है कि यार पॉलिशिंग कहीं पे हो रही है कटिंग कहीं पे हो रही है ट्रेडिंग कहीं पे हो रही है और आपके नेकलेस वगैरह के अंदर ज्वेलरी के अंदर कहीं और लग रहा है तो ये क्या चाह रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो सूरत के अंदर कंसनट्रेट हो जाए तो ये मैंने आई थिंक क्लास में पहले भी डिस्कस किया था इवन हमारी जो बाकी स्कीम्स हैं वो भी इसके अराउंड ही रिवॉल्व जैसे क्लस्टर स्कीम है है ना कि हम क्लस्टर्स ऑफ एम एस एम ई बनाना चाह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में <coughs> वही चीज बन रही है तो आपको ना लेबर फाइंड करने में आसानी होती है आपको मार्केट फाइंड करने में आसानी होती है इन्वेस्टमेंट आने में आसानी होती है क्योंकि एक जगह पे वो आएंगे किसी एक प्लेस के अंदर और वहां पर उनको एन एन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एन नंबर ऑफ अपर्चुनिटीज मिल जाएंगी कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है राइट right, बच्चे तो सूरत जो इट इज ऑलरेडी एज अ मेजर हब फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एस डी बी एम्स टू ब्रिंग ऑल डायमंड रिलेटेड एक्टिविटीज ऑल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वन रूफ ठीक है तो ये आपकी केस स्टडी की तरह भी ये चीज आएगी हो सकता है मेन्स के अंदर इसका आपको सवाल देखने को मिल जाए कि हमें कंसोलिडेट करना चाहिए बिजनेस को या नहीं करना चाहिए कॉन्सिक्वेंसिस है, है ना कि अगर आप बिजनेस कंसोलीट करते हैं तो क्या फायदा है उसका एनालाइज या डिस्कस करने को दिया जा सकता है ये. <coughs> आगे चलते हैं बच्चे की फीचर्स देखते हैं ऊपर कहां सीजुटेड ड्रीम सिटी में डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ठीक है ये सिटी का नाम है सूरत के अंदर ड्रीम सिटी बोलते हैं उसको वहाँ पे सिचुएटेड है है ना और ये ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यूपीएससी जो है वो हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या नॉट ट्रू अबाउट एस डी बी सूरत डायमंड बोर्स इस टाइप का को कोई सवाल आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पे है ना आ, या शायद ना देखने को मिले पर अगर देखने को मिलेगा तो ये ये वाले इन्फॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है थीमेटिक लैंडस्केप ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन पंच तत्व पंच तत्व कौन से एयर वाटर फायर अर्थ एंड स्काई है ना पंच तत्व भी आपको याद हो जाएंगे वैसे तो उसके ऊपर बेस्ड है ये सारे एलिमेंट्स का यूज किया गया है वहां पे उसके डिजाइन के अंदर है ना इसके अलावा बच्चे अब एक जगह पे है और इतनी महंगी चीज में डील कर रहे हो तो सिक्योरिटी वाइज का भी इसका फायदा है तो ये फीचर्स नहीं है बेसिकली ये इसके प्रोज हैं बाय द वे है ना और मुंबई से शिफ्ट करके आप थोड़ा सा लेस क्राउडेड ज्यादा खुली डुली जगह पे जाना चाह रहे हैं ना तो दैट इज योर सूरत SDB. आगे चलते हैं बच्चे और सूरत के बारे में छोटा सा ट्रिविया ये ये रहेगा कि सूरत इज लोकेटेड बिसाइड तापी रिवर भी आपके ऊपर सवाल आ सकता है सूरत के साथ में कौन सी रिवर है यूपीएससी नहीं पूछेगा क्योंकि सूरत वालों को अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा सूरत में रहता ही है उसके लिए बहुत आसान सवाल हो जाएगा तो या तो ये मल्टीपल सवाल एक सवाल में होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली उस टाइप का आएगा डायरेक्ट नहीं आएगा हाउएवर पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड राजस्थान वाले पेपरों के अंदर ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है वन वर्ड के अंदर मतलब सिंगल चार ऑप्शन के साथ में इट हिस्टोरिकली इट वॉज नोन फॉर सिल्क वीविंग एंड रिमेन्स अ कमर्शियल सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स ठीक है तो सूरत पहले सिल्क वीविंग के लिए जाना जाता था डायमंड के लिए देखते हैं बच्चे इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन ये आपको पता ही होगा है ना एंड डायमंड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडमस जिसको एडमेंट जिससे आया है वो भी विच मीनस इंडिस्ट्रक्टिबल

नंबर वन पे रशिया है और रशिया के ऊपर ढेर सारे सैक्शन लगे हैं तो दैट मीन्स कि इंडिया के पास में अब अपॉर्चुनिटी है कि वो इस डायमंड इंडस्ट्री को जो है वो थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं एंड हेंस एस का इस समय पर लॉन्च होना इट्स अ गुड न्यूज थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू Please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.